व्हाट्सएप बनेगा आपका टाइपराइटर। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर आप पहचान गए होंगे कि व्हाट्सएप में एक ऐसा फीचर्स और सेटिंग है जिससे आप बोलेंगे और व्हाट्सएप उसको टाइप करेगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने जा रहा है बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप में एक फीचर है, उस फीचर को सेटिंग को करने के बाद में अगर आप कुछ भी यहाँ पे डालेंगे तो अभी तो आपको क्या करते हैं, आपको टाइप करना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन वो फीचर वो सेटिंग करने के बाद में आप अगर कुछ भी बोलेंगे, वो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप होता रहेगा और आप बोलेंगे जैसे यहाँ पे टाइप होता रहेगा। अगर इन शॉर्ट हम कहें तो वो आपके लिए टाइपराइटर का काम व्हाट्सएप करने लग जाएगा। तो वो कैसे करता है दोस्तों, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में यहाँ पे टाइप करें गूगल इंडिक कीबोर्ड। और इसको इंस्टॉल हम करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रही है गूगल इंडिक। जैसे ही ये इंस्टॉल होती है, यहाँ पे एक सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी ये स्कैनिंग हो रही है इस एप्लीकेशन की। यहाँ पे अगर हम ओपन करें इसको, तो यहाँ पे इनेबल इन सेटिंग्स में इनेबल करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन है गूगल इंडिक कीबोर्ड का, उसको हम ब्लू कर देंगे। और यहाँ पे ये जो अटेंशन पूछ रहा है उसको हम ओके कर देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि कुछ भी टाइप कर दूँ, तो हाँ हमें सब कुछ टाइप करवाना है जो हम बोलें। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर देना। अब सेकंड इनपुट मेथड हमें क्या सेलेक्ट करना है, जी इंग्लिश इंडिक कीबोर्ड स्टार्ट परमिशन। यहाँ पे हमें परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिफ्थ में रेडी, ठीक है। गेट स्टार्टेड में यहाँ पे आ गया। अब इनपुट लैंग्वेज, यहाँ पे यूज सिस्टम लैंग्वेज, और यहाँ पे आप इसको कर दोगे इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये क्लिक कर दिया, और पहले ये यूज सिस्टम लैंग्वेजेस था। तो अगर ऊपर वाला भी आप देखें तो मेरे गूगल इंडिक कीबोर्ड है, उसको आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हर किसी के नहीं होता है, आपको इनपुट में देखना पड़ता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। तो और आप सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद में लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। हर मोबाइल में अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंस में वो आता है, आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर मैं एडिशनल सेटिंग में जाऊंगा तो लैंग्वेज एंड इनपुट सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसको मैं प्रेस करूंगा, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया आ रही है, ठीक है। और अगर मैं करंट कीबोर्ड की बात करूँ तो मेरा देखना पड़ेगा कौन सा है चूज कीबोर्ड, तो यहाँ पे इंग्लिश एंड इंडिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और गूगल इंडिक कीबोर्ड ऑटोमेटिक, ये सब आप चीज़ें चेक कर लेंगे। अब चलते हैं हम व्हाट्सएप की तरफ। अब इस आप व्हाट्सएप पे अपन कुछ भी डालेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो कॉर्नर पे है वो माइक का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे। अब तो अगर मैं बोलूँ हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो ये टाइप कर रहा है, करेक्ट। अब ये अगर मैं कुछ बोलूंगा हिंदी में तो हिंदी टाइप करेगा ये, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आपका स्वागत है नोवेल गुरु चैनल पर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये था, ये इंग्लिश में भी टाइप कर रहा है और हिंदी में भी टाइप कर रहा है, और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है आपका टाइम बचाने के लिए, और हर कोई
इसे यूज कर सकता है, क्योंकि आप टाइप करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर वो बोल के टाइप करोगे तो बहुत सही रहेगा। तो हर कोई ये व्हाट्सएप सेटिंग कर सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्हाट्सएप सेटिंग आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका कोई भी सजेशन हो इस वीडियो पे तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप वॉचिंग नॉवेल गुरु, हम आएंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।